ऑल राइट, सो बहुत टाइम हो चुका था, हमने हमारा क्यू एन ए सेशन नहीं किया था, बहुत टाइम पहले हमने क्वेश्चन एंड आंसर किया था, लेकिन उसके बाद काफी टाइम हो चुका हमने कुछ नहीं किया था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी और आपसे पूछा था, आपके जो भी सवाल है दिल में सारे आने दो, सारे पूछ लो। और भाई साहब क्या ही पूछे आपने। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाओ मेरे भाई इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। आपका भाई आपके लिए वहां पे भी काम की चीजें डालता है, वहां पे भी आपके काम की स्टोरीज डालता है, तो प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अब सीधा चलते हैं हम वीडियो की तरफ। पहला सवाल है जोशुआ बिदर भाई की तरफ से, अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो इनका सवाल यह है कि आर यू इन अ रिलेशनशिप। और ऐसे ही सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब भैया आपको कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया, या फिर आपने कितनी लड़कियों को प्रपोज किया, आपकी कितनी एक्स रह चुकी, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स है, या फिर कितनी गर्लफ्रेंड है। तो पहले गर्लफ्रेंड्स थी, हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड्स थी। और अब आप रिलेशन में हो या नहीं, इसका सीधा सा जवाब है बुलाती है मगर जाने का। दूसरा सवाल आता है आलोक भाई का, वो पूछ रहे हैं यूट्यूबर बनने से पहले आपका एम क्या था। देखो तो जब मैं यूट्यूब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले मेरे दो एम थे। हाँ मेरे दो एम थे, सबसे पहला ये था कि हमारा जो कपड़े का बिजनेस है इसको मेरे को बहुत ज्यादा आगे लेके जाना है। सेकंड एम मेरा ये था कि मेरे को ना सॉफ्टवेयर से बड़ा प्यार था, मेरे को वेब डिजाइनिंग और इन सब चीजों से बड़ा प्यार था, तो मैं कोडिंग वगैरह ये सब सीख रहा था और मैंने इसके लिए जॉब भी की थी, तो मैं एक वेब डेवलपर और एक ग्राफिक डिजाइनर भी था। अगला सवाल हमसे पूछा है रितेश भाई ने, और वो पूछते हैं भाई आपका बर्थडे कब आता है। मेरा बर्थडे आता है ब्रो 26th of October, तो अगली बार मिस मत करना, जरूर मेरे को हैप्पी बर्थडे विश करना, मेरे को काफी ऐसे अच्छा लगता है जब कोई विश करता है। क्योंकि पहले मुझे फोन करना पड़ता था मेरे दोस्तों को कि अरे भाई आज मेरा हैप्पी बर्थडे, फिर उसके बाद वो बोलते थे अरे हैप्पी बर्थडे भाई, तो समझो यार दर्द। अगला सवाल आता है हर्ष का, वो पूछते हैं ब्रो आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी ना उसका नाम क्या है। तो देखो भाई उसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं मेरी लाइफ में कि मुझे उसका नाम याद रखना पड़े, वैसे भी नागिन को क्या नाम दूंगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं डेथ लॉग, वाह क्या नाम है ब्रो, आपने लाइफ में कभी मास्टरबेशन किया था क्या, प्लीज बी ऑनेस्ट एंड आई लव यू। सबसे पहले तो लव यू टू मेरे भाई, लेकिन ये सवाल अगर मेरे घर वालों ने देख लिया तो भाई पिटवा के मारूंगे आप मुझे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है उपेंद्र ने, वो पूछते हैं ब्रो आपने बॉडी कैसे बनाई, बॉडी बनाने के 3 स्तंभ है, परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन। नहीं नहीं बस थोड़ा सा डिसिप्लिन, प्रॉपर डाइट और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस लाए तो बॉडी इजीली बन गई। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है ब्रो, अगर आपने नहीं देखा है ना तो जल्दी से जाके देखो, इसके ऊपर मैंने एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस बनाए। मैंने एक वीडियो ये भी बनाया कि आप 30 दिन में अपनी बॉडी को कैसे बना सकते हो, आप अपना वेट गेन कैसे कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई आपको लिंक, आप जल्दी से जाके वो वीडियो देख लेना, कसम से बहुत काम आएगा। अगला सवाल है सिद्धार्थ की तरफ से, वो पूछते हैं ब्रो शो योर सेटअप, आई मीन आपका यूट्यूब सेटअप का एक टूर करा दो। तो मेरे पास सेटअप के नाम पे कुछ नहीं है, ये एक कैमरा है और ये मेरा बैकग्राउंड है बस, और कुछ भी नहीं है। सेटअप के साथ एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है कि ब्रो आप एडिटिंग कैसे करते हो। तो मैं एडिटिंग करता हूं मेरे सैमसंग के फोन से, हां मैं मेरे सारे वीडियोस मोबाइल से ही एडिट करता हूं, मेरे पास लैपटॉप ले रखा है मैंने, बट यार लैपटॉप के अंदर बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत मेरे दिन चले जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाता है वीडियोस अपलोड करने में। मोबाइल काफी ज्यादा हैंडी है, हाथ में लिया और आराम से काम हो गया। फिलहाल मैं वीडियोस एडिट करने के लिए वीटा ऐप का यूज कर रहा हूं, सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये चाइनीज ऐप नहीं है और जो वीवा वीडियो था ये उसका बहुत ही ज्यादा तगड़ा अल्टरनेटिव है। वीटा ऐप काइनमास्टर जैसी है लेकिन काइनमास्टर ना एक पेड ऐप है और वीटा कंप्लीटली फ्री ऐप है और यहां पे आपको कोई भी वाटरमार्क नहीं मिलेगा, आप वाटरमार्क को भी फ्री में रिमूव कर सकते हो। और अगर आप वीडियो एडिटिंग में अभी बिगिनर ही हो, आपने अगर अपना चैनल अभी ही स्टार्ट किया या फिर आपको नॉर्मल वीडियोस भी बनाने हैं तो इसका इंटरफेस इतना ज्यादा इजी है ना मेरे भाई कि आप आसानी से इसको एडिट कर सकते हो। इसके अलावा वीटा ऐप के अंदर आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे जो आपकी वीडियोस को ऑटोमेटिकली एडिट करेगा। इस ऐप में आपको बहुत ज्यादा फिल्टर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे जो आपकी वीडियो को ना ऐसे कमाल का बना देंगे। वीटा ऐप में आपको बहुत सारे फिल्टर दिख जाते हैं, जब आपको कोई ट्रांजिशन देना होता है दो क्लिप्स के बीच में आप वो भी बहुत इजीली दे पाते हो, मतलब आप देख सकते हो काफी आराम से ये एप्लीकेशन वर्क करती है। आप इसका रिजल्ट देखिए मतलब कितना शानदार दिख रहा है, इसके अंदर म्यूजिक है, टेम्पलेट है, ग्लिच इफेक्ट है, मतलब बहुत सारी ऐसे पावर पैक एप्लीकेशन है ये। और सबसे मेन चीज एक तो चाइनीज नहीं है और दूसरी कंप्लीटली फ्री है ब्रो। वीटा ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीटा ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगला सवाल हमसे हेत भाई पूछते हैं कि भाई आपने क्या पढ़ाई की है और आपने जॉब क्या की है। ये सवाल आज भी मेरे माँ बाप सोचते, इसने क्या पढ़ाई की है। मैंने काफी कुछ किया है और बहुत डिफिकल्ट कोर्स है,
काफी कम स्टूडेंट कर पाए. You have to be very intelligent. नहीं, मैंने बीकॉम किया और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है वेब पब्लिशिंग में. अगला सवाल हमको साइडवॉक एनफोर्सर ने किया है कि हाउ टू फाइट फ्रॉम द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स डिप्रेशन. टाइम को यूटिलाइज करना सीख जाओ और सेकंड चीज अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख जाओ. देखो डिप्रेशन के बहुत सारे कारण है लेकिन जो दो मेन रीजन है वो सबसे पहला ये है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा खाली टाइम है. जितना आप खाली टाइम रहोगे उतनी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, फालतू के थॉट, नेगेटिव थॉट ऐसे घुस जाएंगे दिमाग में और आप फंस जाओगे. सेकंड चीज या तो अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, आप अकेले हो चुके हो, आपसे कोई बातें नहीं करता, आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, तब भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं. इसीलिए मैं कहता हूं अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख जाओ. अगला सवाल है करण की तरफ से. वो पूछते हैं भाई तुम वीडियो में बताने के लिए जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो कहां से करते हो? देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूं, ये सारे जो मैं वीडियोस बनाता हूं ये कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सपीरियंस के बाद ही बनाता हूं. मैंने कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, मैं फिलहाल फैशन के लिए क्या क्या कर रहा हूं, मैं ग्रूमिंग के लिए क्या कर रहा हूं, तो ये सारी जो चीजें बताता हूं मैं आपको ये कंप्लीटली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है. सवाल पूछते हैं भट्ट खालिद, इंस्पिरेशन कहां से मिली आपको फैशन चैनल खोलने की? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत सिंपल सा आंसर भी है इसका. जब मेरे को एक्ने की प्रॉब्लम हो रही थी तब मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च करना शुरू किया कि हाँ भाई हाउ टू रिमूव पिंपल, और उसके बाद जो रिजल्ट आया ना उसको देख के मेरा दिमाग ऐसे ना यूं भन्ना गया था कि भाई कोई तो सही बता दो, क्या कुछ भी बता रहे हो, मतलब ना हाथ ना पैर, अंटी शंटी चीजें करने को बोल रहे हो, ये करूंगा तो पिंपल कम होने की जगह पिंपल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. फिर मैंने और वीडियोस देखे, उनके कमेंट सेक्शन देखे, वहां पे मैंने देखा कि आप जैसे बहुत सारे लोग थे जो वो वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि यार कहीं पे तो सॉल्यूशन मिले कुछ चीजों का. थोड़ा और सर्च करने पे पता चला कि फॉरेन यूट्यूबर्स है जो काफी अच्छा बता रहे हैं बट उनका जो कंटेंट है वो कंप्लीटली इंग्लिश में. उसके अलावा उनकी जो टिप्स थी वो वहां के वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग थी, जैसे कि वहां पे ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है लेकिन हमारे यहाँ पे हमेशा ह्यूमिडिटी गर्मी यही ज्यादा पड़ रही होती है. मोस्टली क्या होता था उनकी चीजें हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते थे, उस वक्त हिंदी फैशन चैनल्स काफी ज्यादा कम थे, तो मैंने सोचा जो मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं उसको शेयर करता हूँ और देखते कैसे जाता है. और आप लोगों ने मेरे को ढेर सारा प्यार दिया, मैं वीडियो बनाता गया, आप सपोर्ट करते रहे और बस यही इंस्पिरेशन थी ब्रो मेरी, आप ही लोग इंस्पिरेशन थे. ओके, सो ये कुछ सवाल थे जो मैंने पिक किए थे. मैंने सोचा यार एक Q&A बनाएंगे तो हमारा कनेक्शन, हमारा जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा. अगर आप अपने सवाल पूछना चाहते हो तो आप कहां जाओगे, आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, हम ज्यादा कनेक्टेड रह पाएंगे. अगर अपने टॉपिक पे कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो या तो आप जाइए कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर जाइए आप इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे DM कीजिए, आपका भाई उस टॉपिक पे वीडियो बनाएगा. मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे tuned.